आरआरबी एनटीपीसी के रिजल्ट में धांधली के विरोध में जहां यूपी बिहार में छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया, वहीं कई जगहों पर आगजनी भी की गई। उधर गया जंक्शन पर उपद्रवी छात्रों ने ट्रेन में आग लगा दी। आरा में भी जमकर बवाल हुआ। छात्रों के हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि हमारे पास परीक्षा को लेकर कोई शिकायत नहीं आई है, हमने जांच कमेटी बनाई है, वो इसकी जांच करेगी। कमेटी 4 मार्च तक अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। स्टूडेंट लोग इतना उत्तेजित ना हो, सरकार के स्तर से एक कमेटी का गठन किया गया है, इसमें जो भी है उसमें वो निकाला जाएगा, उसकी जांच करके और किसी के बहकावे में ना आए और इस तरह का करके जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है उसको नुकसान ना पहुँचाए। वहीं रेल मंत्री ने छात्रों से अपील की कि रेलवे आपकी ही संपत्ति है और इसकी सुरक्षा करिए। रेल मंत्री ने कहा कि कुछ लोग छात्रों के प्रदर्शन का गलत फायदा उठा रहे हैं, छात्रों को भ्रमित ना किया जाए, ये मामला देश का है। उन्होंने छात्रों से अपील की कि आप अपना विषय हमारे सामने रखिए और संवेदनशीलता के साथ इसे देखा जाएगा। सरकार सारे अपनी तरफ से जो भी कदम है वो उठा रही है, एक कमेटी का भी गठन रेलवे बोर्ड द्वारा किया गया है जो इस पूरे प्रकरण की जांच करेंगे और जो भी होगा उसके हिसाब से न्याय उचित कार्रवाई की। साफ है, छात्र जहां भविष्य की जंग लड़ रहे हैं तो वहीं सरकार ने भी नरमी बरतना शुरू कर दिया है। उधर पटना में कई शिक्षकों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ लाइफ।